वेलकम बैक क्लीन न्यूज। आज 29 सितंबर 2020 मंगलवार हो चुका है। जानते हैं आज के बड़ी और महत्वपूर्ण खबर को। आपको जानना बेहद जरूरी है। पहला बड़ी अपडेट झारखंड से है, दूसरा बड़ी अपडेट देश विदेश से, और तीसरा बड़ी अपडेट योजना से है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खबर झारखंड से, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो कोरोना संक्रमित रिम्स में भर्ती, ट्वीट कर दी जानकारी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्हें सोमवार को रिम्स के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। उन्हें सर्दी, खांसी और बुखार के साथ साथ सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। स्वास्थ्य ठीक नहीं होने पर उन्होंने बोकारो में कोरोना की जाँच कराई थी। उसके बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उन्हें बोकारो के भंडारा डी से रिम्स रेफर कर दिया गया। वे 108 एम्बुलेंस से रिम्स पहुंचे और ट्रामा सेंटर में भर्ती हुए। चिकित्सकों ने कहा कि उन्हें फिलहाल बड़ी समस्या नहीं है। आकांक्षी योजना के शिक्षा सूचकांक में गोड्डा का रहा दबदबा। आकांक्षी जिले के 5 इंडिकेटरों से शिक्षा सूचकांक में गोड्डा जिला ने अपना दबदबा कायम किया है। वर्ष 2018 में शिक्षा के क्षेत्र में बेस लाइन डेटा रैंकिंग 104 से सफर शुरू करने वाला यह जिला दूसरे साल की 14वें पायदान पर पहुंचा। वहीं इस वर्ष जुलाई माह में इसकी रैंकिंग 7वें स्थान पर आ गई। शिक्षा इंडिकेटर में 7वें पायदान पर आना जिले के लिए गर्व की बात है। गोड्डा का ज्ञानोदय मॉडल पूरे राज्य में चर्चित रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा बदलाव यहाँ के परीक्षा परिणाम को देखने को मिले हैं। वर्ष 2018 से पहले गोड्डा जिला सूबे में रिजल्ट के मामले में 23वें स्थान पर था, लेकिन इसके बाद इसकी रैंकिंग में उत्तरोत्तर सुधार देखा गया। वर्ष 2019 में गोड्डा में 13वां स्थान लाकर गोड्डा के छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का लोहा बनवाया। वहीं इस वर्ष इसकी रैंकिंग राज्य स्तर पर 11वें स्थान पर रही। मैट्रिक परिणाम संथाल परगना में टॉप पर आया गोड्डा। एमयू के कुलपति बने विद्या भारती के क्षेत्रीय अध्यक्ष मुकेश नंदन क्षेत्रीय सचिव। विद्या भारती ने मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति सह राजभवन सलाहकार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर रंजीत कुमार वर्मा को बिहार झारखंड का क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया है। मुंगेर की शादीपुर निवासी तथा विद्या विकास समिति झारखंड के प्रदेश सचिव मुकेश नंदन को उत्तर पूर्व क्षेत्र का क्षेत्र सचिव, भारतीय शिक्षा समिति सचिव, शिक्षा प्रबंध समिति बिहार के प्रदेश सचिव गोपेश कुमार घोष को क्षेत्रीय सचिव तथा झारखंड के प्रदेश मंत्री रामावतार नरसरिया को क्षेत्रीय मंत्री नियुक्त किया है। जानकारी, विद्या भारती दक्षिण बिहार के प्रांत प्रचार प्रमुख राजेश नारायण अंबा ने दी। मुकेश नंदन ने बताया कि क्षेत्रीय सचिव के रूप में उनकी प्राथमिकता विद्या भारती के रीति रिवाज के अनुसार शिक्षा को आगे बढ़ाना है। वर्तमान में भारत सरकार की कैबिनेट ने जो नई शिक्षा नीति पारित किया है उसको 11 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक जन जन तक पहुंचाने का कार्य विद्या भारती करती रही है। कल्याण कोष में पारा शिक्षक को शामिल अन्य कर्मियों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत असाध्य रोग के इलाज और दुर्घटना में विकलांग होने की स्थिति में राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। कल्याण कोष के सदस्य अपने बच्चों को उच्च शिक्षा और 2 बेटियों की शादी के लिए कल्याण कोष से ऋण भी प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा सेवानिवृत्त के उपरांत एक मुफ्त राशि देने का भी प्रावधान किया गया है। कल्याण कोष की सदस्यता प्राप्त करने की तिथि के 5 वर्ष की अवधि के उपरांत सेवानिवृत्त होने पर एक मुफ्त 75,000, 10 वर्ष की अवधि के उपरांत सेवानिवृत्त होने पर 1.5 लाख रुपये, वो 10 वर्ष से अधिक के उपरांत सेवानिवृत्त होने पर एक मुफ्त 3 लाख रुपये देने का प्रावधान किया गया है। आत्मनिर्भर बना मूर्तिकार, हाथों की कला के जरिए देश में कर रहा है नाम रोशन। कहते हैं कि प्रतिभा किसी की पहचान की मोहताज नहीं होती, और इस वाक्य को सच साबित कर दिखाया है रांची के राजेश प्रजापति। पुरानी रांची के तंग गलियों में सिर्फ 2 कमरे में रहने वाले मूर्तिकार राजेश प्रजापति ने अपने हाथों की कला से न सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि देश स्तर पर अपना नाम कमाया है। राजेश प्रजापति देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ साथ कई महापुरुषों की मूर्ति बनाने का काम किया है, जिसमें उनके पूरे परिवार के सदस्य साथ देते हैं। मोहल्ला क्लास में छात्र छात्राओं को हाईटेक तरीके से शिक्षा। जरमुंडी प्रखंड स्थित प्लस 2 उच्च विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों के सुलभ पाठन
पठन हेतु मदनपुर में प्रोजेक्ट लगाकर मोहल्ला क्लास का संचालन किया जा रहा है। विद्यालय द्वारा मोहल्ला क्लास की शुरुआत अगस्त माह से शुरू की गई है। इसी क्रम में सोमवार को मदनपुर में डीजी साथ के पाठ्य सामग्री को बच्चों के बीच प्रोजेक्टर के द्वारा रखा गया। प्राचार्य प्रमोद कुमार मंडल की निगरानी में प्रोजेक्ट की सहायता से विद्यार्थियों को कठिन विषयों को सरल तरीके से बताया गया। नियुक्ति रद्द हुई तो जमशेदपुर के 50 हाई स्कूल में नहीं रहेंगे एक भी शिक्षक। नौ नियुक्त हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा तो पूर्वी सिंहभूम के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हाई स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था चरमरा जाएगी। नियुक्ति रद्द हुई तो 50 हाई स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं बचेंगे। इन हाई स्कूल की पूरी कमान इन्हीं शिक्षकों पर निर्भर है। पहले इन स्कूलों में क्लर्क पढ़ाते थे और गाँव के कुछ युवक भी इस कार्य में सहयोग देते थे। नौ नियुक्त हाई स्कूल के शिक्षकों को उन स्कूलों में भेजा गया था जहाँ शिक्षकों की कमी थी। झारखंड में निजी अस्पताल व लैब में 550 रुपए में होगी रैपिड एंटीजन किट से कोरोना की जांच। झारखंड सरकार ने निजी अस्पतालों एवं लैब में रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से भी जांच की दर तय कर दी है। निजी अस्पताल या लैब रैपिड एंटीजन टेस्ट के किट से कोरोना की जांच करने पर प्रति सैंपल अधिकतम 550 रुपए ले सकते हैं। इससे पहले राज्य सरकार ने RT-PCR से जांच के दर तय की थी। शुरू में इसके लिए प्रति सैंपल अधिकतम 2400 रुपये तय किए थे। बाद में 5 किट सस्ती होने के कारण यह दर घटाकर 1500 रुपये की गई है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी द्वारा रैपिड एंटीजन किट से 500 की अधिकतम दर तय करने को लेकर जारी आदेश में कहा कि ICMR तथा राज्य सरकार द्वारा कुछ प्राइवेट लैब को रैपिड एंटीजन किट से जांच की अनुमति प्रदान की गई। कस्तूरबा व झारखंड बालिका विद्यालय में 25% सीटों पर होगा नामांकन। धनबाद के उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक सोमवार को DRDA सभागार में हुई। बैठक में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 के नामांकन हेतु प्रखंड से प्राप्त अनुमोदित सूची पर चर्चा की गई तथा सूची को सर्वसम्मति से स्वीकृत कर दिया गया। इस दौरान राज्य से प्राप्त निर्देश के आलोक में आदेश दिया गया कि 25% रिक्त सीटों पर भी नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जाए। बताते चले कि पूर्व में राज्य द्वारा रिक्त सीटों के विरुद्ध मात्र 75% का ही नामांकन लेने का निर्देश दिया गया था। शेष 25% सीटों पर जैक द्वारा नामांकन लिया जाएगा। अब खबर जाने देश विदेश से। मोदी सरकार ने किसानों को खुश करने के लिए उठाया बड़ा कदम। खरीफ की फसल बेचने पर तुरंत मिलेगा पैसा। कृषि बिल को लेकर देश के किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में सरकार पूरी तरह से चौकन्नी है। 1 अक्टूबर से खरीफ की फसलों की सरकारी खरीद शुरू हो जाती है, लिहाजा किसानों को किसी भी तरह के पेमेंट में कोई परेशानी न हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने पहली किस्त राज्य सरकारों को जारी कर दी है। यानी इस बार खरीफ की फसल बेचने वाले किसानों को पेमेंट पाने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर के पहले से ही पंजाब और हरियाणा में सरकारी खरीद शुरू कर दी है। DAC मीटिंग में मिली अमेरिका से सेना के लिए असॉल्ट राइफल की मंजूरी। 720 करोड़ की होगी कीमत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को साउथ ब्लॉक में हुई मीटिंग में नई रक्षा खरीद प्रक्रिया जारी किया। इस प्रक्रिया को रक्षा खरीद परिसर की मीटिंग में जारी किया गया है। रक्षा मीटिंग के साथ इस मीटिंग में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, भारतीय सेना प्रमुख जनरल MN नरवणे, भारतीय वायुसेना एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया और भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह भी शामिल थे। खबर है यूपी से। यूपी सरकार ने लगा दी है रोक, तो जाने किन विषयों पर लगाई है रोक। यूपी में दुर्गा पूजा से जुड़े सार्वजनिक आयोजनों पर रोक, शर्तों के साथ रामलीला की अनुमति। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि COVID-19 के संकट के बीच इस वर्ष राज्य में दुर्गा पूजा से संबंधित सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। राज्य में सड़क किनारे दुर्गा पूजा संबंधित कार्यक्रमों की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक साथ 100 से अधिक लोगों को रामलीला देखने की अनुमति नहीं मिलेगी। फिल्मी जगत में पसर गया सन्नाटा।
इतनी शक्ति हमें देना दाता के गीतकार अभिलाष का 74 वर्ष की उम्र में निधन। फिल्म अंकुश का गाना इतनी शक्ति हमें देना दाता लिखने वाले गीतकार अभिलाष का मुंबई में उनके निवास पर 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। मिली जानकारी के अनुसार उनकी पत्नी ने बताया मार्च में उनके पेट में अतड़ियों का ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद से वे काफी कमजोरी महसूस करने लगे थे। सोमवार सुबह 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, कृषि कानून किसानों के लिए मौत की सजा, भारत में लोकतंत्र मर चुका है। कृषि संबंधी विधेयकों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी मिलने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है, कृषि कानून हमारे किसानों के लिए मौत की सजा है। उनकी आवाज संसद के अंदर और बाहर उछल दी गई। उन्होंने आगे कहा, ये इस बात का प्रमाण है कि भारत में लोकतंत्र मर चुका है। पीएम स्वनिधि योजना, छोटा कारोबार शुरू करने वालों को सरकार देगी 10,000 तक का लोन। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा खबर। लॉकडाउन के चलते कई ठेले वाले, रेहड़ी पटरी वाले समेत अन्य छोटे कारोबारियों को काफी नुकसान हुआ है। कई की रोजी रोटी छिन गई है तो कहीं कुछ लोग जैसे तैसे गुजर कर रहे हैं। ऐसे लोगों की समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से पीएम स्वनिधि योजना चलाई जा रही है। इसके तहत जरूरतमंद लोगों को छोटा कारोबार शुरू करने के लिए 10,000 तक का लोन मुहैया कराया जाता है, जिससे उनकी आजीविका चल सके। तो क्या है यह योजना और कैसे ले सकते हैं इसका लाभ, तो आइए जानते हैं खबर को विस्तार से। पीएम स्वनिधि योजना के तहत सड़क किनारे रेहड़ी पटरी लगाने वालों को आर्थिक मदद के लिए कर्ज मुहैया कराया जाता है। इस योजना को 1 जून को कैबिनेट ने मंजूरी मिली थी। इसमें अधिकतम 10,000 रुपये तक का लोन आसान शर्तों के साथ दिया जाता है। यह एक तरह का अनसिक्योर लोन है। इस स्कीम का लाभ सड़क किनारे ठेले या रेहड़ी पटरी पर दुकान चलाने वालों, फल सब्जी लॉन्ड्री सैलून और पान की दुकान लगाने वाले आदि ले सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, अगर गलत तरीके से ली है किस्त तो लौटानी ही पड़ेगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, अगर आप पात्र नहीं होने के बावजूद गलत तरीके से पैसे ले रहे हैं तो सरकार आपसे वसूली करेगी। गलत तरीके से लिया गया पैसा वापस नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। बता दें कि किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने वाले मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी पीएम किसान सम्मान निधि योजना में फर्जीवाड़ा सामने आया है। सिस्टम में सेंध लगाकर तमिलनाडु के फर्जी लाभार्थियों ने करोड़ों रुपए निकाल लिए। सरकार सख्ती हुई तो करीब 61 करोड़ रुपए वसूल लेगी। SBI ने जारी किया अलर्ट, व्हाट्सएप के जरिए भी खाली हो सकते हैं आपका बैंक अकाउंट। सोशल मैसेजिंग ऐप इस्तेमाल करने वालों के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने एक अलर्ट जारी किया है। इसके मुताबिक व्हाट्सएप पर एक छोटी सी गलती से आपके बैंक अकाउंट में सेंध लगा सकती है। साइबर अपराधी इस ऐप पर कॉल या फिर मैसेज करके आपके खाते से पैसे उड़ा सकते हैं। कोरोना काल में ऐसे अपराधों में काफ़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। SBI ने ग्राहकों से कहा कि बैंक कभी ग्राहक को फोन करके उनके खाते की पर्सनल डिटेल नहीं मांगता है। ऐसे में व्हाट्सएप कॉल या मैसेज के जरिए, ईमेल या मैसेज के जरिए कोई किसी तरह का भी जानकारी मांगे तो तुरंत सावधान हो जाए। निपटा ले अपने बैंक के सारे काम, अक्टूबर में छुट्टियों की भरमार। अक्टूबर में करीब 15 दिन बैंक बंद रहेंगे। त्योहारों का महीना छुट्टियों की भरमार लेकर आ रहा है। छुट्टियों की पूरी लिस्ट देखने पर साफ है कि इस अक्टूबर में रविवार, सेकेंड सैटरडे के साथ गैजेट और स्थानीय छुट्टियों को मिलाकर करीब 15 दिन बैंक बंद रहेंगे। जिन लोगों को बैंक में लगातार काम रहता है उनके लिए यह जान लेना बहुत ही जरूरी है। यात्रियों से 10 से 30 रुपये तक यूजर चार्ज वसूलने की तैयारी में रेलवे। AC क्लास के लिए देना होगा ज़्यादा शुल्क। तो आइए जानते हैं खबर को विस्तार से। रेलवे ने हाल ही में यात्रियों पर यूजर चार्ज लगाने की घोषणा की है। रेलवे के सूत्रों के मुताबिक यात्रियों से यूजर चार्ज के नाम पर 10 से 30 रुपये ज़्यादा वसूलने की तैयारी है। यूजर चार्ज के नाम पर यात्रियां किराए बढ़ाए जाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। सूत्रों ने कहा कि इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगानी बाकी है। कहा जा रहा है कि देश में 7,000 रेलवे स्टेशन अभी भी है। इसका 10 से 15% करीब 1,050 रेलवे स्टेशन में यूजर चार्ज लगाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं किस क्लास में कितना चार्ज लगेगा। सूत्रों के अनुसार AC फर्स्ट क्लास के टिकट पर 30 रुपये, AC थर्ड क्लास के टिकट पर 20 रुपये और स्लीपर पर 10 रुपये यूजर चार्ज वसूलने का प्रस्ताव है। दिल्ली से मुंबई तक का सफर और महंगा होगा क्योंकि दोनों स्टेशनों पर यूजर चार्ज लगाया जा सकता है। दिल्ली मुंबई समेत करीब 50 रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास किया जाएगा। इसी के चलते यात्रियों से यूजर चार्ज वसूला जाएगा। SBI का फेस्टिव ऑफर, कम ब्याज पर ले होम, कार और पर्सनल लोन, प्रोसेसिंग फीस भी जीरो। देश के सबसे
बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने डिजिटल बैंकिंग मंच योनो ऐप के ग्राहकों के लिए त्योहारों की पेशकश की है। इसके तहत आने वाले त्योहारों मौसम में योनो के माध्यम से कार, घर और पर्सनल लोन लेने वालों को बैंक प्रोसेसिंग शुल्क पर 100% प्रतिशत की छूट देने योनो बैंक की मोबाइल बैंकिंग ऐप है। बैंक ने कहा कि आवास प्रोजेक्ट में घर खरीदने वाले ग्राहकों को भी बैंक होम लोन के प्रोसेसिंग फीस में पूरी छूट दी जाएगी। इसके अलावा ग्राहकों को उनके होम लोन की राशि और उनके क्रेडिट स्कोर के आधार पर ब्याज में 0.10% प्रतिशत तक छूट भी दी सकती है। योनो से होम लोन लेने के लिए अप्लाई करने वाले ग्राहकों पर 0.05% की अलग से छूट का लाभ भी ले सकते हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।